सुबह कमरे का ये हाल देख के ना मुझे सबसे पहले चाय की ज़रूरत होती है। चाय मैंने अपनी बना ली है और अब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद करूँगी कमरा साफ। कमरा मैंने कर लिया साफ, चाय मैंने पी ली है और अब बारी आती है कैंडल्स बनाने की, क्योंकि मुझे चार ऑर्डर्स आए हुए हैं जिसमें से एक कैंडल मैं बना चुकी हूँ और एक कैंडल ख़राब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी सैटरडे। आज बहुत बहुत लेट उठी हूँ मैं, शाम के तकरीबन 4-5 बज चुके हैं मुझे जागते जागते, क्योंकि डेफ़िनेटली मेरी जॉब थी सारी रात और मैं सुबह 8 बजे सोई थी। अब मुझे चार कैंडल्स का ऑर्डर जो आया हुआ है उसको बनाना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और कल रात को मैंने एक कैंडल बनाई थी लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गया जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो मुझे वो दोबारा बनानी है। और उसके अलावा एक कैंडल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी बखूर सेंट में, और उसके अलावा मुझे मतलब चार कैंडल्स का ऑर्डर है तो अभी मुझे 3 कैंडल्स और बनानी हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, ये वो सेंट थी जो मैंने कल बनाई थी लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से जार जो है वो क्रैक हुआ हुआ था, मैंने कल नोट नहीं किया, तो अब डेफिनेटली मैं ये वाला जार तो उनको नहीं भेज सकती, तो मुझे नई कैंडल बनानी है जो कि मैं बना रही हूँ, और ये मैंने अपने साइड टेबल पर रख लिया। अच्छा जी, मैंने दोबारा 3.6 ग्राम वैक्स ले ली है इस जार के लिए, क्योंकि अभी मैंने दोबारा कैंडल बनानी है एप्पल फ्लेवर में, एप्पल सेंट में, और मैंने 3.6 ग्राम वैक्स ली है, हाफ बीज वैक्स है और हाफ सोय वैक्स है। ये देखें मेल्ट हो गया है बिल्कुल, अब मैं इसमें सेंट ऐड करूंगी। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी अब एप्पल सेंट ऐड करके आई विल मेक श्योर ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी दूसरी कैंडल प्रिपेयर हो रही है जो एप्पल सेंट में है। इसके बाद दो कैंडल्स मैंने और प्रिपेयर करनी है, जो कि एक होगी इसी मियाकी में, इस सेंट में, ये परफ्यूम की सेंट है और ये मैं वुडन जार में बनाऊंगी, और जो लास्ट कैंडल है वो मैं कॉफ़ी सेंट में बनाऊंगी, और वो भी मैं 3.6 ऑन्स के जार में ही बनाऊंगी। ये दूसरी कैंडल के लिए भी मैंने इक्वली बीज वैक्स और सोया वैक्स जो है 3.8 ग्राम्स लिए। अच्छा, अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना कि आपकी कैंडल के ऊपर ये इस तरह से बबल्स आ जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप जब भी कैंडल डालते हैं उसके टेम्परेचर में अगर वो थोड़ी सी भी गर्म हो, यहाँ पे बबल्स आ जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक हीट गन होती है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, हम इस हीट गन से इसको मेल्ट कर लेते हैं। मेक श्योर करेंगे कि हीट गन से हम उसको इतना मेल्ट कर लें कि जो आपकी वैक्स है, मेल्टेड वैक्स है, वो इक्वल हो जाए। तो आई थिंक ये अब इक्वल हो चुकी है और हम इसको दोबारा से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मैंने अगेन दोबारा दूसरी कैंडल के लिए वैक्स मेल्ट होने रख दी है डबल बॉइलिंग मेथड पे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से बबल बिल्कुल जा चुका है और अब हम ये वाली कैंडल बनाने लगे हैं। अगेन इसमें हम इसकी वैक्स मेल्ट हो गई है, मुझे अब कॉफ़ी की सेंट जो है इसमें ऐड करनी है, तो हम इतनी जो है सेंट थोड़ी सी और डाल देती हूँ ऐड करेंगे। और
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। कॉफी की सेंट बहुत तेज है। मिक्स कर लिया है मैंने, अब थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो मैं फिर इसमें इसको ऐड करूँगी। अगर मैं गरम गरम ऐड करूँगी तो उसके अंदर बबल्स बनने के चांसेस हैं। ऐड कर लेते और अगेन हम इसको बहुत आराम आराम से ऐड करेंगे, बहुत तेज़ी से बिल्कुल ऐड नहीं करना। आराम आराम से ऐड करने का मकसद यही होता है कि इसमें बबल्स ना बने। That's it. अब हम बनाएंगे अपनी लास्ट कैंडल जो कि हम परफ्यूम सेंट्स में बनाने वाले हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये कूल हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि जो कंटेनर है, जो जार है जिसमें मैं कैंडल मेल्ट वैक्स मेल्ट करती हूँ, वो एक ही है, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे चार डिफरेंट सेंट्स बनानी है तो डेफिनेटली सेंट की स्मेल इसमें रह जाती है। उसके लिए मैं पानी डाल के डबल बॉइलिंग मेथड से इसको अच्छे से साफ करके उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसके बाद दोबारा से वॉश करके फिर कैंडल की जो वैक्स है मेल्ट करती हूँ ताकि पिछली वाली सेंट जो है अगली वाली कैंडल में ना आए। आखिरी कैंडल बनाने लगी हूँ मैं। ये मैंने बीज वैक्स और सोय वैक्स को 9.6 ऑंच के जार के लिए इक्वली मैयर करके रखा हुआ था। बहुत थक गई हूँ लेकिन ये बनानी भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे कल ही डिलीवर करनी है हर हाल में चारों कैंडल्स, तो जल्दी जल्दी से हम ये आखिरी कैंडल बना लेते हैं। ओके जी, लास्ट कैंडल बनने जा रही है और अगेन कप को हम साफ कर लेते हैं। ये अच्छे से देखें आप, मेल्ट हो गया हुआ है, ठीक है। इसमें हम सेंट डालेंगे, परफ्यूम सेंट है ये, इसी मियाकी की। इसमें मैं फिर से इसको मिक्स करेंगे। मैं वुडन विक यूज करने लगी हूँ। आप इसमें वुडन विक भी यूज कर सकते हैं या आप इसमें दो विक्स यूज कर सकते हैं अगर आप कॉटन विक यूज कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर पे रखेंगे और फिर हम इसको जार में डाल लेंगे। अगर आपको भी कैंडल्स ऑर्डर करनी है तो आप मुझे कैंडल्स ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की परफ्यूम सेंट भी बता सकते हैं। अगर वो सेंट अवेलेबल हुई तो मैं आपको चेक करके कंफर्म कर दूंगी, अगर ना अवेलेबल हुई तो भी आई विल ट्राई कि मैं उसको अरेंज करूँ कहीं से भी, ठीक है। तो आप कैंडल सेंट जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दीजिएगा। आई डोंट नो वेबसाइट पे अभी मैंने सारी सेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं उनको पोस्ट किया है या नहीं किया, सारी प्रोडक्ट्स लगाई हैं या नहीं लगाई, लेकिन आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की सेंट जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सारी कैंडल जो है इसमें डाल दी है। अब हमें वेट करना है कि ये कूल डाउन हो जाए। ये दो कैंडल्स बन चुकी हैं ऑलरेडी। एक जो है वो एप्पल सेंट है, दूसरी जो है वो कॉफ़ी में है, ये तीसरी कैंडल है जो बखूर में है और हमारी आखिरी कैंडल तैयार हो रही है। ये चार कैंडल जो उसके बाद हम पैक करेंगे और कल हम इस ऑर्डर को डिस्पैच कर देंगे। हे फ्रेंड्स, कैंडल्स मैंने सारी बना ली हैं, बहुत थक गई हूँ लेकिन साथ साथ तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे बाहर डिनर पे जाना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।